अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर एसएसपी यशवंत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जानकारी मिलते ही हमने टीम में गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को कल कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड मिल गई है। साथ ही डीएम विजय कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, इसमें जैसे ही हमको परसों 11:30 बजे सुबह हमको विवेचना ट्रांसफ़र हुई थी, जो कि 365 में लिखी गई थी, उसके तत्काल बाद हमने उसमें टीमें गठित करके कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। और जो फिर आगे जब विवेचना में देखा गया कि रिजॉर्ट से वो लड़की तीन लोगों के साथ निकली थी और वापस वहाँ के जो लोगों के बयानों के आधार पर वापस नहीं आई थी, तो नेचुरल सी बात है कि प्राइम सस्पेक्ट तीन थे, पुलकित, अंकित और भास्कर। तो उन तीनों को हमने जो है फिर रात को गिरफ्तार कर लिया था और उनको हमने कल कोर्ट के सामने पेश किया है और रिमांड हो गया है और उनको जेल भेज दिया है। डेड बॉडी मिल चुकी है, आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या बुलडोजर चलेगा इस पे? जो पैकर नहीं, बुलडोजर के बारे में तो मैं नहीं कह पाऊँगा, मेरे परव्यू में नहीं है, ये प्रशासन का वो है। लेकिन जो डेड बॉडी मिल चुकी है, नेचुरल सी बात है उसका पोस्टमार्टम एम्स में हो रहा है और वीडियोग्राफी होगी, पैनल से उसका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद वो परिजनों को सपोर्ट की जाएगी बॉडी, फिर परिजन जहां भी उसका दाह संस्कार करना। 18 तारीख को अंकिता गुम हुए थे, मिसिंग हो गए थे और परिवार को इसकी जानकारी 20 तारीख को ही हो पाई, तो परिवार ने वाद दर्ज किया और परिवार ने अनुरोध किया कि इसको नियमित पुलिस को ट्रांसफ़र किया जाए। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई हमने नियमित पुलिस को ट्रांसफ़र किया और नियमित पुलिस ने भी अपनी जांच को गतिमानता से करते हुए, शीघ्रता से करते हुए तीनों अभियुक्त को हिरासत में लिया, उनका बयान दर्ज किया, उनके निशानदेही पर जहां पे उनके द्वारा बताया गया कि उसको नहर में धक्का दिया गया था, उस स्थान को खोजबीन किया गया, SDRF की टीम उस काम के लिए लगाई गई। पानी का जलस्तर ज़्यादा होने की वजह से इसमें समय लगना जानकारी में आया, तो पानी का स्तर को पहले कम किया गया। आज सुबह उसका शव जो है नहर में प्राप्त हुआ है। नहर में जैसे शव प्राप्त हुआ है, परिवार के सामने पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है वर्तमान में गतिमान है। पोस्टमार्टम को पैनल के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है और समस्त गतिविधि को वीडियोग्राफी किया जा रहा है। आगे होटल की क्या कार्रवाई होगी, बुलडोजर आगे चलेगा या नहीं? सभी ऐसे अनियमित जो रिजॉर्ट्स बने होंगे उसका एक अभियान के तहत चिन्हीकरण किया जाएगा और उसमें जो भी अवैध पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस समय निर्देश प्राप्त हो गया है और जहाँ पे प्राधिकरण का क्षेत्र होगा वहाँ प्राधिकरण के स्तर से और जहाँ पे जिला पंचायत।